नवजात उत्तराधिकारी की असमय मृत्यु के बाद झांसी के राजा गंगाधर राव ने अपने परिवार के एक बालक दामोदर राव को भारत की मान्य और प्रचलित परंपरा के अनुसार गोद लिया। राजा गंगाधर राव अस्वस्थ रहते थे और रानी लक्ष्मीबाई रियासत के दायित्व का संचालन निर्वहन करती थीं। दामोदर राव के उत्तराधिकार की स्वीकृति के लिए झांसी की अर्जी लॉर्ड डलहौजी के पास भेजी गई। इस बीच राजा गंगाधर राव का देहावसान हो गया। अंग्रेजों की नीति दत्तक उत्तराधिकार को स्वीकार नहीं करने की थी और वो निसंतान रियासतें संधियों की दुहाई देकर हड़प लिया करते थे। झांसी के साथ भी अंग्रेजों ने यही किया। सुनो, हर खासो आम को इत्तला दी जाती है कि झांसी की रियासत पर अब कंपनी सरकार का अलम हो गया है और लॉर्ड गवर्नर डलहौजी साहब ने रियाया के नाम ये फरमान जारी किया है कि वो अंग्रेजों की मातहती में रहकर चैन से अपना काम काज करे। कंपनी सरकार किसी तरह की सरकशी और शरारत को बर्दाश्त नहीं करेगी और हरकत करने वाले बदमाशों को बामुताबिक कानूनी सजा दी जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि रियाया वफादारी के साथ रहे। सुनो सुनो सुनो, हर खासो आम को इत्तला दी जाती है कि अब झांसी पर कंपनी सरकार का राज्य कायम हो गया है और उसका ही हुक्म चलेगा। काहे जू, अब झांसी में कौन है? अरे होने का है भैया, हुई है वही जो राम रचिरा का। गोद मनवाने के लाने जो अर्जी लाट साहब लोग पहुंचा दे थी सो तो बिन्ने ना मानी। गोद के मनवाने के लाने अर्जी जो कैसो अंधेर, हम अपने गांव में रोजे गोद लेट देत ताके लाने अर्जी पुर्जी तो कौन दे। अरे अंग्रेजन ने नए नए कानून निकारे हैं। हाँ इतना खाओ इतनो सोचो, अब इके लाने कहू अंग्रेज कानून बनाए। अक्कल चैतरी में चढ़ गई सो, अब उन्हें कुछ सूझत नहीं आ तो कहा ऐसी आके फूट गई के धर्म कर्म कुछ नहीं लेकत। अधर्म राज है जिन अंग्रेजन को। हाँ फिरंगियों की राज्य घोषणा से उठी ज्वाला को रानी ने अपने मन के भीतर ही भीतर संयत कर लिया। यह समय नहीं था विस्फोटक प्रतिक्रिया का, आगा भी देखना था और पीछा भी सोचना था। रानी ने अंग्रेजों के निर्देश स्वीकार कर लिए। वो गंभीरता पूर्वक सारी स्थिति का अवलोकन कर रही थी। उनकी दैनिक चर्या यथावत थी, पूजा पाठ, प्रतिदिन महल के आंगन में घोड़े की सवारी, तीरंदाजी, बंदूक से निशाना लगाना, तलवार चलाना इत्यादि। इस अभ्यास में सुंदर मुंदर काशीबाई झलकारीबाई और नगर की दूसरी स्त्रियां उनके पास होती। छद्म युद्ध के इन अभ्यासों में नगर और छावनी की सूचनाएं भी उनको मिलती रहती।
जनता समझ रही थी कठिन समय आया, अंग्रेजों का राज जो आया सो लाया। जनता समझ रही थी कठिन समय आया, अंग्रेजों का राज जो आया सो लाया। अब न रही स्वाधीन जिंदगी जीवन क्रम, सुराज का सपना ओझल है केवल भ्रम। धर्म हुआ बलि अब अधर्म का शासन है, झांसी का सूना खाली सिंहासन है। सिंहासन हथियाया और दर्प दुर्राया, चारों दिशा पसरता भय निष्ठुर साया। बंदोबस्त धरती भी हो गई पराई, इतना अपने फसल नहीं धरवाई। सपने बंधक दासी सांसें गुमनामी, राज फिरंगी का जैसा वही गुलामी। अन्यारी में दीप अकेला, अन्यारी में दीप अकेला बस रानी। रानी के पास अपनी फरियाद लेकर नागरिक भी आते। वो उन्हें बताते कि अंग्रेजों ने झांसी की फौज तोड़ दी है, सिपाही बेरोजगार हो गए हैं, अंग्रेजों के कानूनों से प्रजा दुखी है, वो आपके इशारे का इंतजार कर रही है। भाई साहब की हुकुम मानेंगे, मां धरती की कसम खा के कहते हैं। किंतु मान रहती है रानी, किंतु मान रहती है रानी, किंतु मान रहती है रानी। मन ही मन उत्तर प्रत्युत्तर सबकी सुनती, मन में गुनती हल न निकलता ऐसे सत पर। किंतु मौन रहती है रानी, झांसी की बलिदानी जनता बेबल विचलित रोष भरी थी। अंग्रेजों की चुनौतियों से छल छंदों से नहीं डरी थी। भाई साहब हुक्म करें जो दिखला दे खड़गों का पानी, माँ धरती का कर्ज चुकाने मचल रही मदमस्त जवानी। शांत सरोवर ही सुनती थी अपनों का विश्वास उसे था, पर षड्यंत्रों का मुकाबला करने समुचित समय नहीं था। ऊपर निश्चल भीतर घायल बेशक धधक रहा था पानी। बड़वा नल की अगन समेटे देख रही हर संभव रानी। किंतु मौन रहती है रानी, किंतु मौन रहती है रानी। स्वातंत्र संघर्ष का आह्वान संदेशा गांव गांव पहुंच रहा था। झांसी में रानी तक खबरें और सूचनाएं पहुंच रही थीं। उनसे मिलने जुलने वालों पर अंग्रेजों की तीखी नजर जरूर थी, लेकिन कोई बंदिश नहीं थी। बंदिश अगर लगाते तो समझा जाता कि रानी को नजरबंद कर लिया गया है और जनता
भड़क उठती। अंग्रेज सावधान थे और उनके जासूस सतर्क, लेकिन तात्या टोपे एक दिन रानी के पास पहुंच ही गए। संघर्ष की तैयारी में लगे हुए थे तात्या टोपे। छद्मवेश में पूरा हिंदुस्तान घूम रहे थे। अंग्रेजी फौजों के हिंदुस्तानी सिपाहियों से संपर्क करते हुए, उन्हें ये याद दिलाते हुए कि भारत माता उन्हें पुकार रही है, भारत माता की बेड़ियों की झंकार अनसुनी मत करो, सुनो और वीरों का बाना ग्रहण करो। कहां कहां भ्रमण कराए इस बार सरदार तांत्या? इस बार बहुत घुमा हूं भाई साहब, कहीं कहीं तो पकड़े जाने की नौबत भी आ गई, लेकिन बिठोवा की कृपा से बच निकला। यहां तो आपने पूरा सरंजाम जुटा रखा है। मैं देख रहा हूं कि आपकी सहेलियां सुंदर मुंदर, काशीबाई, झलकारीबाई, मोतीबाई सभी यहां हैं। आपने तो खासी स्त्री सेना तैयार कर ली। पंजाब के अलावा नारी जाति में ऐसा जागरण मुझे अन्यत्र नहीं मिला। आधी आबादी जब पर्दे में बंद रहेगी तो सुराज का साधन कैसे सधेगा तात्या साहब? और दूसरी बाधाएं भी हैं। अपने प्रवास में मैंने पाया कि बड़े राज्य जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ग्वालियर जैसे इतिहास के घटना चक्र से तटस्थ हो गए हैं। को नृप होए हमें का हानि जैसा रवैया है उनका, यह दुर्भाग्य की बात है भाई साहब। तमाम राजे रजवाड़े अंग्रेजों के संरक्षण में ही खुद को सुरक्षित समझते हैं। आराम तलबी, ऐश और आलस्य किसी भी जाति के दुर्गुण होते हैं, और ऊपर से तटस्थता तो एक अभिशाप है। सही फरमाया तात्या आपने, जब समर सामने हो तो पक्ष तो लेना ही पड़ता है, और पक्ष न्याय का होता है। आजादी और गुलामी के बीच से आज देश को आजादी को चुनना है। पूरा देश एक होकर आजादी के लिए जूझे, तभी आन और शान बच पाएगी। ये बात जनता खूब समझती है भाई साहब। जहां जहां भी मैं गया जनता को जागरूक देखा। राजों रजवाड़ों को तो पेंशनें मिल गई और वो संतुष्ट होकर पुराने ढर्रे को बनाए हुए, लेकिन जनता की तो रोटी रोजी ही अंग्रेजों ने छीन ली। उसमें गुस्सा है, असंतोष है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हैं वे लोग। ये शुभ संकेत है तांत्या साहब। लेकिन भाई साहब, जनता के पास नेता नहीं है, जनता नेतृत्व विहीन है और इसलिए बेवश है। मैंने कुछ नाम सुने हैं तांत्या साहब, बार बार चर्चा में आते हैं, जैसे अपने नाना धोंदूपंत। नाना साहब तो खार खाए बैठे हैं। पेशवा के साथ जो विश्वासघात हुआ उसने नाना साहब को धधकता हुआ अंगारा बना दिया है। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ ही किया, हम सबके साथ यही किया है। नागपुर, सतारा और हाल फिलहाल आपकी झांसी, छत्रपति के सुराज का सपना छिन्न भिन्न हो गया है भाई साहब। ऐसे तो नहीं चले? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा सरदार तांत्या। यहां वहां कुछ लोग हैं भाई साहब जिनके हृदय में प्रतिकार, आंखों में अंगार और संकल्पों में स्वराज अभी भी जीवित है और जिंदगी की तरह धड़क रहा है, लेकिन वो अलग थलग है। उन्हें जोड़ने के लिए एक सूत्र चाहिए। ठाकुर कुंवर सिंह, अजीमुल्ला खां, मौलवी मोहम्मद शाह, दिल्ली का शहजादा मिर्जा मुगल, बहादुर शाह जफर की बेगम जीनत महल, कितने कितने आजादी के परवाने हैं, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पर अकेले। दिल्ली से याद आया सरदार तांत्या, इस स्वातंत्र यज्ञ में दिल्ली की आहुति क्या होगी? खानदाने मुगलिया के आखिरी चिराग बहादुर शाह जफर बूढ़े और बीमार है। अपनी हसरतों को वो शेर और शायरी में तलाशते रहते हैं। इस उम्र में उनसे ज्यादा उम्मीद करना फजूल है, किंतु उनकी बेगम जीनत महल बहुत तेजस्वी और सक्रिय है, और शहजादा मिर्जा मुगल भी
दोनों पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी बादशाहत एक प्रतीक है हमारे देश की आजादी का। लड़ाई तो बहादुर शाह जफर के नाम पर ही लड़ी जाएगी। इसी प्रतीक को जनता स्वीकार करेगी। तांत्या साहब, इस मुक्ति संग्राम में अग्रणी भूमिका तो निसंदेह जनता की ही रहना है। वही अपने जननायकों को जन्म देगी। जनता उठे तभी हल होगा, बीते रात नया कल होगा। जनता उठे तभी हल होगा, बीते रात नया कल होगा। मन में घुटन कसक, आंखों में पाखों में लाचारी, दूर दूर तक नजर न आती, कैसी थी तैयारी। सारा आलम सुस्त पड़ा है, कहीं न जुम्बिश होती। लगता हम तुम भूल गए हैं, आजादी क्या होती। सफर भले कुछ मुश्किल होगा, आजादी का संबल होगा। जनता उठे तभी हल होगा, बीते रात नया कल होगा। जनता उठे तभी हल होगा, बीते रात नया कल होगा। कठिन समय मजदार फंसी है, नैया कौन निकाले। जनता केवल चुन सकती है जननायक रखवाले। जनता उठे तभी हल होगा, बीते रात नया कल होगा। तात्या साहब, जब से फिरंगियों ने झांसी को हड़पा है, हर दिन हमारे पास लोग आते हैं, किसान, मजदूर, व्यापारी, आमजन, निर्धन, जिनके तन पर कपड़ा नहीं है, शायद पेट में रोटी भी नहीं है। लेकिन तांत्या साहब, हौसला है, लक्ष्य है, बेचैनी है। वो कहते हैं, बाई साहब कुछ करो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती। अंग्रेजों के पास ताकत है, धूर्तता है, षड्यंत्रों वाला दिमाग है, विश्वासघाती देशद्रोहियों का समर्थन है, और हमारे पास साधन तक नहीं है कि इस समर को दूर तक चला सकें। साधन जुट रहे हैं भाई साहब, आजादी के हर कार्य फिरंगियों की छावनी में घूम रहे हैं और उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। हिंदुस्तानी सिपाही गदर के लिए तैयार हो रहे हैं। वो सीखे सिखाए सदे सदाए हैं, वो लड़ना जानते हैं। अंग्रेजों के लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं और अब वो अपने देश और हम वतनों के लिए लड़ेंगे। उनके पास बंदूकें, गोले, कारतूस वगैरह हैं। विप्लव में उनके शामिल होने से हमें बड़ी मदद मिलेगी, साधन भी मिलेंगे। लेकिन सिपाही हमारे साथ कैसे आएंगे? हम उन्हें पगार तक तो दे नहीं सकते। सवाल पगार का नहीं, स्वाभिमान का है। आजादी की भावना स्वाभिमान के साथ जुड़ी हुई है भाई साहब। अंग्रेजों की फौज में 40,000 सिपाही अवध के हैं और इस भावना के रहते उनमें एक तरह की एकता है, राष्ट्रीयता है। जब किसी एक सिपाही का अपमान होता है तो वो इसे अपनी राष्ट्रीयता का अपमान मानते हैं और नाफरमानी पर उतारू हो जाते हैं। यही भावना पूरे हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए सरदार साहब। अवध, बंगाल, दक्षिण, पंजाब, बुंदेलखंड, कहीं के हों, हमें अपने आप को भारतीय मानना और समझना चाहिए। दास्ता समूचे भारत का अपमान है।
फरंगियों की फौज का हर हिंदुस्तानी सिपाही हर रोज इस अपमान को अनुभव करता है भाई साहब। तिल तिल जब वो अपमानित होता है उसके मन की आग भड़कती है और ये आग अवज्ञा के रूप में सामने आती है। तांतिया साहब, इस आग में तपन और तेजी कब आएगी? हम प्रयत्न तो कर ही रहे हैं भाई साहब। अपनी कोरी चमड़ी को लेकर अंग्रेज खुद को हिंदुस्तानियों से बेहतर समझते हैं। ईश्वर अपनी रची हुई सृष्टि में भेदभाव की इस दृष्टि को सहन नहीं करेगा। कदापि नहीं, ईश्वर ने सभी को समान भाव से रचा है, बिना किसी ऊंच नीच के। ईश्वर की सब संतानें हैं और सब मनुष्य हैं, बराबरी के मनुष्य, ना कोई स्वामी ना कोई दास। मानस मानस एक से ना स्वामी ना दास, एक सभी का देश है धरती और आकाश। माली की मालाट में फुलवारी के फूल, रंग बिरंगे अंक में अंचल और दुकूल। सपने सपने एक से सपनों का विस्तार, सपनों के संसार में सपने साझेदार। मूरख इसमें तानते ऊंच नीच दीवार, रेतीले मैदान में रहती बारंबार, रेतीले मैदान में रहती बारंबार, रहती बारंबार। स्वतंत्रता की ललक मनुष्य की गरिमा स्थापित करने का अभियान है भाई साहब। यह सिर्फ राजपाट के लिए किया जाने वाला संघर्ष नहीं है, यह तो मानवीय अधिकारों की लड़ाई है और इसके पीछे हजारों सालों का इतिहास है। हम उस सिलसिले की एक कड़ी मात्र हैं, परंपरा का एक पांव, लक्ष्य की सनातन यात्रा की दिशा में गतिशील एक उठा हुआ कदम। अंग्रेज छावनियों में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं भाई साहब। फिरंगी अपना हुक्म लादने की कोशिश करते हैं और सिपाही उसे नहीं मानते। अभी हिंदुस्तानी फौजों को रंगून भेजा जाना था, बंगाल की फौजों ने इनकार कर दिया, पंजाब से सिखों की फौज बुलानी पड़ी। सभी जगह यही आलम है, बैरकपुर, रानीगंज, बरहमपुर, अंबाला, मेरठ, कानपुर, फिरोजपुर, जहां जहां हिंदुस्तानी सिपाही हैं वहां वहां असंतोष, नाफरमानी और असहयोग की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। कितनी होगी हिंदुस्तानी कुल संख्या? अंदाजन 2 लाख से ऊपर। और अंग्रेज? सारा हमला मिलाकर कुल 40,000। यानी कि संख्या बल में तो हम 5 गुने हैं। छावनियों के हिंदुस्तानी सिपाहियों में आजादी का अलग जगाते घूम रहे हैं हमारे लोग, साधु संत फकीर नाचते गाते संदेशा देते। ये संदेशा फैलता जा रहा है भाई साहब। सिपाहियों ने नए कारतूस को चलाने से मना कर दिया जिन पर चिकनाई लगी है। उनका मानना है कि ये चिकनाई सुअर और गाय की चर्बी है जो धर्म भ्रष्ट करने के लिए लगाई गई है। ये बात तो बड़ी तेजी से फैली है तांत्या साहब। स्वतंत्रता का संदेश भी उतनी ही तेजी से फैल रहा है। ये काम अपनी झांसी में भी हो रहा है। राजा साहब की रंगशाला की अभिनेत्रियां याद होंगी आपको? जूही और मोतीबाई। हाँ, वही। रंगशाला तो अब रही नहीं, लेकिन उन्हें अभिनय के लिए समाज का व्यापक रंगमंच मिल गया है।
अब वो छावनियों में जाती हैं, संदेशा पहुंचाती हैं और वहां से खबर लाती हैं। दोस्त दुश्मन की पहचान हमें उन्हीं से मिलती है। धन्य है इस महायज्ञ में जूही और मोतीबाई जैसी संविधाओं का भी महत्व बना रहेगा। बाग दुबन पाई नहीं चढ़ो मरण को चाओ कटरा काढ़ो पेट में दए घाव पे घाव ये संसार तुझ निर्धार देखता हूं बुंदेलखंड भी पीछे नहीं है। इस इलाके में झांसी पर ही हमारी आशाएं टिकी हुई है। भाई साहब महाअभियान आपकी अगुवाई में ही संपन्न होगा। झांसी प्रस्तुत है सरदार साहब। वीर प्रसू बुंदेलखंड की धरती छत्रसाल और चंपतराय की संतानें आपको निराश नहीं करेंगी। तांत्या साहब इस माटी के कण कण में अंगड़ाई है और इसके हौसलों में आग है, धार है और तरुणाई है।